डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स या डीएफआई। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स किसी भी शुक्राणु के सैंपल की क्वालिटी को बताता है। शुक्राणु का डीएनए एक लंबे धागे की तरह होता है जो कि शुक्राणु के छोटे से सिर में फिट बैठता है। इसे इस यहाँ फिट बैठने के लिए बहुत सारे जगहों पर टूटे हुए हिस्से में बटना पड़ता है। अगर ये टूटे हुए हिस्सों की मात्रा डीएनए में ज़्यादा होती है तो हमारा डीएनए डैमेज कहलाया जाता है और ऐसे में प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स 15% से नीचे है तो इसे बहुत अच्छा सैंपल माना जाता है। अगर ये 15 से 50% के बीच में है तो इस सैंपल को कॉम्प्रोमाइज तो कहेंगे बट ये नियर नॉर्मल माना जाता है। अगर ये 50% के ऊपर है तो इसे हम बहुत ही ख़राब सैंपल का दर्जा देते हैं। क्यों होता है हाई डीएफआई? इसके विभिन्न कारण होते हैं। पहला कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर तंबाकू लेते हैं तो आपके डीएनए में असर पड़ सकता है। अगर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से स्पर्म का क्वालिटी गिर जाता है, जैसे कि जो लोग हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे कि स्टील प्लांट वर्कर्स, ब्रिक फैक्ट्री वर्कर्स, या फिर जो लोग कॉन्स्टेंटली रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियंस, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, या फिर जो लोग की सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि लंबे समय तक बैठते हैं, बैंक में काम के कर्मचारी या फिर ड्राइवर्स, ऐसे कंडीशंस में इन लोगों में शुक्राणु की क्वालिटी में खराबी पाई जाती है और इनका डीएफआई बहुत हाई होता है। तो कैसे सुधारेंगे अपने डीएफआई को? सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कीजिए। हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की का सेवन ज़्यादा मात्रा में करिए। एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स लीजिए। रात की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए और साथ में अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर टोबैको लेते हैं तो उस पर उसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। धन्यवाद।